हेलो एवरीवन, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जल्दी में, नवंबर तक आई थिंक। और उसमें जो माइनर एक्ट्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, उसमें से एक माइनर सब्जेक्ट है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, जो कि 1986 में, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं इसका क्या है। देखो, आपने नोटिस करा होगा 1986, लिंक करो एक और सब्जेक्ट से कि एक और एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। हाँ, वो भी 1986 में आया था और ये भी 1986 में आया था। फर्स्ट देखते हैं इसका सेक्शन वन क्या कहता है। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। देखो, सेक्शन वन तो जनरली यही रहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सिर्फ एक आर्टिकल 393 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है 393 शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में होता है। अदरवाइज फर्स्ट, जनरली फर्स्ट सेक्शन जो होता है ना, वो शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट का होता है। देखो, फर्स्ट, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। देखो, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट है। ठीक है, मतलब डिसेंट, देखो डिसेंसी होती है ना कि हाँ, एक अच्छी तरीके से आप दिखा रहे हो। उसका अपोजिट क्या होगा, इंडिसेंट, मतलब गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसको, वीमेन को कर रहे हो। उस पे ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है, रोकता है ये एक्ट आपको कि आप गलत तरीके से वीमेन को, किसी भी महिला को नहीं दिखा सकते। अब वो उसके वेरियस तरीके दिखा रखे हैं इसमें कि किस को एक्सेप्शन दे रखी है, किस में किस चीज को आप दिखा सकते हो। थोड़ा दिखाते नहीं, क्या एक सेट नहीं कर रखा है एक बार, लेकिन कुछ दे रखा है कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से नहीं कर सकते, कुछ एक्सेप्शन लगा रखी है, एक्सेप्शन भी, एक्सेप्शन, सॉरी। शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमीशन, दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। ओके, इसका क्लॉज सेकंड कहता है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। थर्ड, इट शैल कम इन टू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट अपॉइंट। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसे ऑफिशियल गेजेट में डाल देगी, जब से वो कम इन टू फोर्स, कमेंसमेंट माना जाएगा। ठीक है, इसका तीन हो गया। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट है। फर्स्ट में बता रखा है कि इसको इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कहते हैं। सेकेंड, ये होल ऑफ इंडिया पर एप्लीकेबल है। थर्ड यह है कि ये कम इन टू फोर्स में कब आएगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई कर देगी, उस दिन से आ जाएगा। बहुत सिंपल है। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड सेक्शन जो है वो डेफिनेशन का आ जाता है। और देखो, डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। और तीन तीन छह छह डेफिनेशन है इसमें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी भी है। आपको वैसे भी मतलब पढ़ना चाहिए, अगर आप आरजेएस की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो वैसे भी आप थोड़ा बहुत पढ़ लो। 10-12 सेक्शन आई थिंक इसमें, 12, सॉरी, 9 10 सेक्शन, हाँ 10 सेक्शंस हैं इसमें। देखो, डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट है डेफिनेशन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, बहुत से एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, जो भी है एडवर्टीजमेंट होता है। इंक्लूड्स, इसमें क्या इंक्लूड करा गया, एनी नोटिस, कोई भी नोटिस हो, सर्कुलर हो, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आपने इसमें बता दिया कोई भी नोटिस एडवर्टाइज नहीं कर सकते आप, ऐसे कोई नोटिस डाल रहे हो जो इंडिसेंस तरीके से वीमेन को दिखा रहा है। कोई भी सर्कुलर पास नहीं कर सकते, लेबल, रैपर, ठीक है, लेबलिंग नहीं कर सके, रैपर में किसी को ऐसे दिखा नहीं सकते, और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, अदर डॉक्यूमेंट में बहुत सारी चीज़ आ जाएंगी। एंड ऑल्सो इंक्लूड्स एनी विजिबल रिप्रेजेंटेशन मेड बाय मीन्स ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक और गैस। और कुछ इसमें इंक्लूड करें, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन जो हम ऐसी देख लें, ठीक है, साउंड जा रही है, साउंड को हम सुन सकते हैं उस तरीके से, अपनी गैस के थ्रू भी किसी तरह को, मतलब इंडिसेंट तरीके से दिखा ही नहीं सकते आप। हर तरीके से देखो मना कर रखा है, गैस, स्मोक, साउंड, लाइट, किसी भी तरीके से आप सपोज करो आवाज़ किसी के थ्रू कर रहे हो, या कोई स्मोक की तरह से ऐसे दिखा रहे हो, मतलब नॉट स्केच बना रहे हो आप, बट स्मोक की तरह से कुछ ऐसी बना रहे हो इमेज वगैरह, वैसे भी नहीं कर सकते, प्रोहिबिट कर रखा है इसमें। अच्छा, इसका सेकेंड है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रख रखा है, इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय वे ऑफ सैंपल्स वेदर फ्री और अदरवाइज। मतलब कि आप बांट भी नहीं सकते, आपने सपोज करो कोई लिख लिया, ड्राइंग कर ली, सपोज करो बना ली इंडिसेंट, क्या है कुछ तरीके से लिख दिया, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। डिस्ट्रीब्यूट कैसे नहीं कर सकते, ना वो सैंपल के तौर पर कर सकते, वेदर उसको फ्री करो चाहे उसको पे में आप करो, कैसे भी नहीं कर सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन आप कर ही नहीं सकते। पहले तो एडवर्टीजमेंट नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, जनरली कोरिलेटेड है ना एक तरह से। एडवर्टीजमेंट का जो कंसेप्ट आ रहा है कि एडवर्टाइज नहीं कर सकते, हम फ्री में करें चाहे कैसे भी करें, और वो ही आ गया डिस्ट्रीब्यूशन पे। थर्ड आ गया इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन, मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ ए वुमेन, हर फ्रॉम और बॉडी और एनी पार्ट देयर ऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बींग इंडिसेंट और डेरोगेटरी टू और डिनिग्रेटिंग वीमेन और इज लाइकली टू डिप्राइव, करप्ट और इंजियर द पब्लिक मोरलिटी और मोरल्स। देखो,
जो मैंने बताया था इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन का आप कर ही नहीं सकते किसी भी तरीके से, टाइटल से पता चलता है, ठीक है। मीन्स द डिपिक्शन इन एनी मैनर ऑफ द फिगर ऑफ वुमेन, किसी वुमेन का कोई इस तरह से फिगर नहीं बना सकते आप, ठीक है, या फिर उसकी फुल बॉडी का, होल बॉडी का, या फिर कोई पार्ट का नहीं बना सकते आप, ठीक है, जिससे उसको वीमेन को इंडिसेंट शो हो, या फिर उस वीमेन की ही नहीं मतलब होल ऑफ उसकी बात करी गई है। और डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक कोई ऐसे स्टेटमेंट या कुछ ऐसे नहीं कर सकते। और ऑन डिनिग्रेटिंग वीमेन और इज लाइकली टू डिप्रेव, जिससे दुराचारी स्वभाव नहीं होता मतलब गलत तरीके से आप शो ही नहीं कर सकते। करप्ट और इंजर द पब्लिक मोरलिटी और मोरल्स, ऐसे नहीं कि वुमेन वो कंप्लेन नहीं कर रही या फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सोसाइटी में अफेक्ट कर रहा है, उस पब्लिक मोरलिटी को देखा जाएगा, ठीक है, उस तरीके से आप कुछ नहीं कर सकते। डी आ गया इसका नेक्स्ट डेफिनेशन, लेबल। लेबल मीन्स एनी रिटन मार्क स्टैम्प प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अफेक्ट्स टू और अपेयरिंग अपॉन एनी पैकेज, किसी भी पैकेज पर आप लेबल ऐसे नहीं छाप सकते कि ये जैसा आपने देखा होगा एक मिंत्रा वाला था, उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वो भी एक तरह से गलत शो हुआ था, हालांकि उन्होंने चेंज करा बाद में कुछ। तो कोई आप लेबल मतलब कुछ लिख नहीं सकते किसी पैकेज वगैरह पे, ठीक है, लिख नहीं सकते, छाप नहीं सकते, स्टैंप भी नहीं लगा सकते, सबको प्रोहिबिट करा हुआ है इस एक्ट के अंदर, सेक्शन डी में बताया है लेबल की डेफिनेशन। ई पैकेज इंक्लूड्स अ बॉक्स, कार्टून, टिन और अदर कंटेनर, किसी भी कंटेनर, टिन, उस पर मतलब ऐसे नहीं छाप सकते आप, पैकेजिंग नहीं कर सकते। प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, प्रेस्क्राइब वो है जो इस एक्ट के अंदर जो बताया गया, ओके। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग डिसीजन, अच्छा सॉरी सेक्शन 3 है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, प्रोहिबिशन कर रखा है। देखो ऊपर तो हमने पढ़ा था एडवर्टीजमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2 के ए में, क्लॉज ए में, और इसमें बताया सेक्शन 3 में आपको प्रोहिबिट कर दिया, आप कर ही नहीं सकते यार, मतलब वैसे भी करना ही क्यों, ये गलत इलीगल चीज़ है। और एक्ट बनाने की मेरे को तो सोचने वाली बात है कि ये एक्ट बनाने की ज़रूरत पड़ी है, अदरवाइज आपके अंदर इतनी मोरल्स, आपने बचपन में आपकी पेरेंटिंग वगैरह सब दिखती है, आप ऐसे शो क्यों करोगे किसी चीज़ को। प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टीजमेंट अच्छा हो गया। नो पर्सन सेल पब्लिश, साफ साफ मना कर रखा है कोई पर्सन, देखो इसको हाईलाइट कर लो जो इसमें ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, नो पर्सन सेल पब्लिश, साफ साफ मना कर रखा है कोई पर्सन पब्लिश नहीं कर सकता। और कॉज टू बी पब्लिश और अरेंज और टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन और एग्जीबिशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट विच कंटेन्स इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से आप एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते ना ही उससे जुड़े हुए एडवर्टीजमेंट से, ठीक है। सपोज करो कोई मैं प्रिंटिंग एजेंसी हूँ, कोई पर्सन मेरे पास आए कि ये ऐसे छाप दो, तो मेरी भी लाइबिलिटी बनती है, मैं पब्लिश नहीं कर सकता, मैं छाप भी नहीं सकता, ठीक है। तो हर पर्सन को इसमें कवर्ड करा हुआ है। सेक्शन 4 देखो, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एटसेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, वो अगेन एंड अगेन बात करते आ रही है, मैं इसका एक समरी बताऊंगा आपको बाद में बताऊंगा, सेक्शंस के बाद रीड कर लेता हूँ। अब पब्लिकेशन या फिर आप पोस्ट के थ्रू किसी पैम्पलेट वगैरह नहीं छाप सकते, बाट जैसे डोर टू डोर दे, फ्री वाईफाई, इस सब के आते हैं ना पैम्पलेट, ऐसे पैम्पलेट वगैरह भी नहीं छाप सकते, पोस्ट भी नहीं कर सकते किसी बुक को, ठीक है, मतलब बुक को भी बाय पोस्ट भी नहीं भेज सकते, बाय पोस्ट आप कैसे भी मतलब आप नहीं कर सकते। अरे पहली बात तो प्रोहिबिट कर रखा है, करोगे नहीं, दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते, और ना ही आप पब्लिक मतलब पब्लिक के माइंड में नहीं आना चाहिए, कुल मिलाकर ये बताया। नो पर्सन सेल प्रोड्यूस और कॉस्ट टू बी प्रोड्यूस एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, कोई फिल्म वगैरह नहीं चला सकते, राइटिंग लिख नहीं सकते, ड्राइंग नहीं बना सकते, पेंटिंग नहीं कर सकते। देखो इसमें लिखा हुआ है, हाँ सेक्शन 4 में बता रखा है, पोस्ट एनी बुक, ठीक है, पैम्पलेट भी नहीं कर सकते कोई, ना ही कोई बुक को, पेपर को भी, पेपर भी नहीं लिख सकते, स्लाइड भी, फिल्म भी नहीं कर सकते आप, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, इन किसी भी तरीके से और भी है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन और फिगर विच कंटेन्स इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से अगर आप इसमें कर रहे हो तो आपको प्रोहिबिट कर रहा जाएगा, ठीक है, आपको रोक रहा है, ये एक्ट सेक्शन 4 बताया गया है। अब देखो इसमें नीचे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं कि हाँ ये एक्सेप्शन एक्सेप्शन में है या नहीं है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू क्लॉज ए, एनी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर, अच्छा
इसका फर्स्ट दे रखा है द पब्लिकेशन ऑफ विच इज प्रूव टू बी जस्टिफाइड एज बीइंग फॉर द पब्लिक गुड ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक पैम्पलेट पेपर स्लाइड फिल्म राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस लिटरेचर आर्ट और लर्निंग और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न। देखो अब ना इसमें जो नीचे देख रखे हैं ए बी सी ठीक क्लॉज ये एक्सेप्शन दे रखे हैं। ऊपर देखो मना करा गया है कि आप पैम्पलेट पेपर स्लाइड राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग फिगर किसी भी तरीके से आप इंडिसेंट शो नहीं कर सकते किसी भी वुमेन को ठीक है। अच्छा नीचे बता दिया है कि आपको कि आपके ऊपर कुछ एक्सेप्शन हैं अगर वो आपका इस एक्सेप्शन में आ रहा है तो क्या है उसको अलाउ कर दिया गया है ठीक है। किस किस चीज़ को उस बुक को उस पैम्पलेट को पेपर को स्लाइड को जो ऊपर दे रखे उन सबको एक्सेप्शन में दे रखा है कब अगर वो पब्लिकेशन अगर जस्टिफाइड होता है अगर आप प्रूफ कर देता हो कि हाँ ये जस्टिफाइड है तो वो है मतलब कि हाँ पब्लिक गुड में। जैसे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से न्यूज़पेपर पर हेडलाइट्स आ जाती है हाईलाइट्स आ जाती है आपको लगता है यार नहीं इसको छापना नहीं चाहिए था लेकिन वो पब्लिक गुड पब्लिक माइंड में आ जाए पब्लिक की नॉलेज में आ जाए इस पर्पज से छापा गया तो वह इस एक्सेप्शन में आ जाता है ठीक है। कि कुछ आपको लगता है कि नहीं यार ये तो हम जनरल अपनी सोसाइटी में बात नहीं कर सकते इस चीज़ को ठीक है हम बात नहीं करते कि इस किसी भी मैन को किसी तरीके से ऐसा दिखा रहे किसी में ऐसे लिखा गया है इस बात को। तो जैसे आप कोर्ट में देखो कोर्ट में भी कुछ FIR लिखते हैं उसमें सारी बातें लिख जाती है डिटेल में ठीक है जो FIR में लिखते हैं हालांकि हम उसको पब्लिकली ऐसे पढ़ पढ़ के सोर नहीं बचाएंगे ठीक है नहीं पढ़ सकते अलाउ नहीं है लेकिन हम कोर्ट में उस चीज़ को लेकर आ रहे हैं राइटिंग लिख तो रहे हैं ना अपनी ठीक है FIR में लिख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड है तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है ठीक है। पब्लिक गुड में आ रहा है ऑन द ग्राउंड दैट सच बुक पैम्पलेट पेपर स्लाइड फिल्म राइटिंग ड्राइंग पेंटिंग फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इन फिगर इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस साइंस से रिलेटेड है। सपोज करो आप देखोगे बायोलॉजी बुक में फिगर बना रखा है वुमेन की आप कहोगे नहीं आपने तो यहाँ मना कर रखा है प्रोहिबिट कर रखा है सर आप ऐसे कैसे कह रहे हो। देखो वो इस एक्सेप्शन में आ गया कि साइंस को प्रोहिबिट कर रहा है सॉरी साइंस को अलाउ कर रहा है अगर वो साइंस वाकई स्टडी से रिलेटेड है तो ठीक है लिटरेचर किसी लिटरेचर में आर्ट में आप कहोगे कि बायोलॉजी में ऐसे टर्म क्यों लिख दिया वो हम नहीं यूज़ करते लर्निंग जब अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल कंसर्न अगर है जनरल कंसर्न की बात है कि नहीं हमें उस बारे में पता होना चाहिए ये बेसिक है और इससे पब्लिक के माइंड में पब्लिक को नॉलेज मिलेगी या फिर गुड कंसर्न में ठीक है तो वो एक्सेप्शन दे रखे हैं और ऊपर प्रोहिबिट कर रखे हैं आप बेवजह नहीं कर सकते आप अगर आपका इसमें अंदर कवर्ड हो रहा है लिटरेचर साइंस और आर्ट और कुछ लर्निंग के और ये पब्लिक कंसर्न में आ रहा है ठीक है जनरल कंसर्न में तो आपको एक्सेप्शन है इस चीज़ का। सेकंड देखते हैं विच इज कैप्ट और यूज बोनाफाइड फॉर रिलीजियस पर्पज। अब देखो कोई रिलीजियस पर्पज के थ्रू दिखा रहे हैं ठीक है तो रखा हुआ है सपोज करो कोई स्टैचू है इस तरीके से जैसे आपने शुरू एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट रहती है काफ़ी टाइम पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं हिंदुज़म के ऊपर कि खजुराहो टेम्पल के बारे में एक टेम्पल है उसमें थोड़ी जो हैं स्टैचूज उस टाइप के हैं तो वो इसके अंडर कवर होता है किसके अंदर एक्सेप्शन के अंदर सेक्शन 4 के एक्सेप्शन है उसके अंडर कवर होता है। देखो विच इज कैप्ट और यूज बोनाफाइड गुड फेथ में और फॉर रिलीजियस पर्पज और रिलीजियस पर्पज के थ्रू है ना यार हमारा टेम्पल है तो उसके रिस्पेक्ट करो। अब भी आ गया इसके नीचे एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर इंग्रेव्ड पेंटेड और अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव और कोई स्कल्पचर है ठीक है जो बना रखा है जो मैंने बता रखा है इंग्रेव्ड है या फिर कोई पेंटिंग है ऐतिहासिक है ठीक है लिख रखो और अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव ऑन और उनको भी एक्सेप्शन दिया गया है किस किस को एनी एंशियंट मोनूमेंट खजुराहो टेम्पल विद इन द मीनिंग ऑफ द एंशियंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। देखो एक 1958 एक्ट का मैं बाद में बात करता हूँ इसको अभी कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर क्लाइंट आ गए सॉरी।